यही सोच रहे होंगे कि जिस मुख्यमंत्री ने, जिस प्रदेश के मुखिया ने राम मंदिर के निर्माण कार्य में जान झोंक दी, हर चीज बारीकी से देखी, काम समय से हो इसका पूरा ख्याल रखा, और तो और जब काम में व्यस्तता रही तब भी सीएम योगी ने राम मंदिर को कभी नजरअंदाज नहीं किया। जब भी समय मिला तो 6 साल में करीब 7 बार योगी अयोध्या पहुँच गए और हर बार जायजा लेते रहे और अयोध्या के चक्कर लगाते रहे। तो इन सब के बाद भी अगर आपको ये सुनने को मिले कि सीएम योगी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से वंचित रखा जाएगा, तो क्या आप इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप इस बात के लिए खुद को मना पाएंगे कि सीएम योगी इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे? क्योंकि राम मंदिर के कार्यक्रम में जुड़ने वाले मेहमानों को देखते हुए देश के मुख्यमंत्रियों और अलग अलग राज्यपालों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये लिया गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता नहीं भेजा जा रहा है, अलग अलग राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। और योगी भी तो मुख्यमंत्री ही है, और वो भी यूपी जैसे बड़े प्रदेश के, जहां पर भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। वही यूपी जिसके अयोध्या नाम के शहर में त्रिपाल से निकलकर अब रामलला भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं। इसी अयोध्या में योगी ने कई चक्कर लगाए, लेकिन क्या इतना सब करने के बाद भी इस भव्य कार्यक्रम से उन्हें वंचित रखा जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सीएम योगी के बिना ये कार्यक्रम नहीं पूरा होगा। जिनके तप ने इस मंदिर को इतनी जल्दी बना दिया और भव्य तरीके से खड़ा कर दिया, उनके बिना तो ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। और फिर प्रोटोकॉल के तहत भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जी हाँ, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण किए जाए अतिथियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। 5 अगस्त 2020 को जब नींव रखी गई थी, तब महामारी की व्यवस्था की वजह से कार्यक्रम छोटा रखा गया था। तब कोविड लॉकडाउन की वजह से पाबंदियां लगी हुई थी, लेकिन इस बार अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इस बार तो देश की नामी हस्तियों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का पालन भी भीड़भाड़ की वजह से संभव नहीं हो सकेगा। सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला इसीलिए लिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पहले ही करीब 7,000 लोगों को न्योता भेजा जा चुका है। इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 4,000 सांसद भी आमंत्रित किए गए हैं और सीएम योगी हर लिहाज से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 22 जनवरी 2024 को पूरा कराया जाएगा। इसके लिए काशी के पंडितों ने जबरदस्त मुहूर्त निकाला है। द्रविड़ बंदूक पंडित गणेश शास्त्री ने, पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने मुहूर्त के समय की गणना की है। ये कार्यक्रम 1 मिनट 24 सेकंड में ही पूरा कराया जाने वाला है। दोनों पंडित ने कहा है कि 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त की शुरुआत होगी और 12:30:32 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी 1 मिनट 24 सेकंड के मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पूरा कार्यक्रम किया जाना है। वैसे जब सीएम योगी के कार्यक्रम में शामिल ना होने की बात सामने आई और अब उनके शामिल होने का पता चला है, तो आपको कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स में हमें राय अपनी ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।